नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट एग्ज़ाम के बाल विकास और शिक्षण विधि को पढ़ेंगे। आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत हम यूपी टेट एग्ज़ाम में जो पेडागॉजी पूछी जाती है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका बाल विकास और दूसरा होता है शिक्षण विधि। बाल विकास के अंतर्गत बालक का विकास किस किस स्टेज में किस किस प्रकार से होता है और कौन सी स्टेज में कौन सा गुण पैदा हो जाता है, ये बताया जाता है। और शिक्षण विधि में जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो विधियाँ दी गई हैं वो किस तरह से बालक को प्रभावित करती हैं या बालक को किस तरह से उनका सर्वांगीण विकास कर सकती हैं, उन हम विधियों को पढ़ते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बाल विकास पर बेस्ड है, तो इसके अंतर्गत हम बाल विकास को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारे पहले हमने डायरेक्ट पहले प्रश्न को दिया गया है, जो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। तो इसको अभी हमने आपको ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझाया नहीं है, किंतु हमने प्रश्न रखा है पहले, तो हम देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाते हैं। तो पढ़ते हैं हमारा पहला प्रश्न कि संज्ञानात्मक विकास के प्याजे के सिद्धांत को निम्न में से अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक तर्क के लिए कौन सी क्षमता से पहचाना जाता है। तो ये आपका प्रश्न दिया गया है और इसके देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यथार्थ संक्रियता, दूसरा है पूर्व परिचालन, और तीसरा ज्ञानेंद्रिय, और चौथा दिया गया है परिचालन, औपचारिक परिचालन। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन हैं, इसका अभी हम आपको उत्तर नहीं बता रहे हैं। आप अगर इसका उत्तर दे सकते हैं तो दीजिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, अभी हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरे प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है। अभी हम इनका उत्तर ना देके आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप इन प्रश्नों को पढ़ें और उसके बाद कोशिश करें कि आप इनका उत्तर दे पाते हैं या नहीं, और फिर हम जब संज्ञानात्मक विकास को पढ़ा लेंगे उसके बाद हम इन प्रश्नों को करेंगे आके। तो जीन प्याजे का हमारा जो सिद्धांत दिया गया है, देखिए उसको हम देखते हैं। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चार अवस्थाएँ बताई हैं। कितनी अवस्थाएँ बताई हैं? चार। तो इन अवस्थाओं में पहली अवस्था कौन सी है? पहली हमारी जो अवस्था दी गई है वह संवेदी गामक अवस्था। इसकी जो आयु होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। इसका नाम इंग्लिश में भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश में पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो हमारी जो दूसरी स्टेज देखिए, वो दूसरी स्टेज कौन सी है कि दूसरी स्टेज दी गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो आयु होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और हमारी जो तीसरी अवस्था है, हमारी तीसरी अवस्था दी गई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी जो आयु होती है वो 7 से 11 वर्ष की होती है। इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और जो चौथी स्टेज है इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और ये 11 से 15 वर्ष के बीच की होती है। इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी जो पहली स्टेज है वो क्या है। हमारी जो पहली स्टेज दी गई है संवेदी गामक अवस्था, इसके विषय में जानते हैं। तो इसकी जो देखिए, इसकी जो आयु होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। और इसमें कौन से जो गुण होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, तो इसके अंतर्गत आप एक चीज़ ये देखेंगे, इसका जो शब्द दिया गया है गामक। गामक का मतलब होता है शरीर के द्वारा की गई क्रियाएं, यानी जो बालक की संवेदी गामक अवस्था होती है इसमें बालक शरीर के द्वारा ही सारी क्रियाएं करता है। और ये जो संवेदी का मतलब होता है संवेदना, यानी जो बालक संवेदना फील करता है, महसूस करता है, वो किसके द्वारा करता है? वो देखता है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं इन्हीं के द्वारा सारे अनुभव को ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो इसको सेंसरी स्टेज भी कहते हैं। और इसमें यही एक स्टेज होती है जिसके द्वारा बालक वस्तु के स्थायित्व का ज्ञान कर लेता है, ठीक है। और ये जो सारी क्रियाएँ होती हैं वो इसके शरीर के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, और शरीर से जो भी क्रियाएँ करता है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं इसको एस्कीमा बोलते हैं। एस्कीमा वर्ड को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये आपकी। और इसको दूसरा नाम इसका दिया गया है पेशीय अवस्था, यानी जो संवेदी गामक अवस्था है इसका दूसरा नाम पेशीय अवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली स्टेज है, ठीक है। जो भी इस स्टेज में बालक जो भी सीखता है या जो भी करता है वो केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों और अपने शरीर के द्वारा क्रिया करके ही सीखता है या करता है, ठीक है ना। ये हमारी पहली स्टेज थी। अब देखते हैं हमारी दूसरी स्टेज दी गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो आयु होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है। इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बालक में अतार्किक चिंतन होता है, यानी बालक चिंतन तो करता है, वस्तुओं को विषय में सोचता है, जानता है, किंतु उसके विषय में तर्क नहीं कर पाता है। और इस स्टेज में बालक को
सही अनुपात का अंतर भी नहीं कर पाता है। यानी सही अनुपात का अंतर क्या मतलब ये है कि जैसे बालक के सामने दो वस्तुएं रख दी जाती हैं, एक रुई की वस्तु रखी जाती है जो कि बहुत बड़ी है और एक लोहे की वस्तु रखी जाती है जो कि बहुत छोटी है, और बालक से यदि पूछा जाए कि इसमें कौन सी भारी है तो उसके अंतर वो अंतर नहीं स्थापित कर पाएगा। तो वो ये कहेगा कि ये जो रुई वाली वस्तु है वो भारी है क्योंकि उसको वो बड़ी दिखाई दे रही है। यानी बालक इसके द्वारा केवल जो वस्तुएं उसके समक्ष हैं, उसके सामने प्रस्तुत हैं, केवल उन्हीं को ही जानता है और उन्हीं को ही बताता है, ठीक ना। इसको अंतःप्रज्ञा काल भी कहते हैं। ये जो स्टेज होती है हमारी दूसरी वाली जो हमारी स्टेज है इसको अंतःप्रज्ञा काल भी कहते हैं। देखिए अंतःप्रज्ञा काल का मतलब होता है एक ऐसा समय जब बालक किसी बिना किसी तर्क के किसी बात को जिस तरह से हम उसको बता देते हैं एज इट इज़ मान लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, ठीक है ना। ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। इसके अंतर्गत बालक तर्क नहीं कर पाता है और वस्तुओं में सही अनुपात नहीं स्थापित कर पाता है, और जो उसका चिंतन होता है, देखिए इस स्टेज में चिंतन 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें वो चिंतन तो करता है किंतु वह तर्क पर आधारित चिंतन नहीं होता है, अतार्किक चिंतन इसको कह सकते हैं। देखिए जैसे रुई और एक रुई की वस्तु एक लोहे की वस्तु रखी गई तो उसने चिंतन के द्वारा ही उसने चिंतन ही किया कि यह बड़ी है इस वजह से ज़्यादा भारी होगी और यह छोटी है तो हल्की होगी, किंतु उसका ये जो तर्क है वो तर्क पर आधारित नहीं है, उसका ये जो चिंतन है वह तर्क पर आधारित नहीं है, तो इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये जो विभिन्न गुणों का विकास हुआ है इसको आप ध्यान में रखेंगे, इससे जुड़े हुए बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी के जो ऊपर वाले प्रश्न दिए गए उसमें भी इसमें इससे जुड़े हुए कई प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं हमारी जो तीसरी स्टेज है वो कौन सी है। हमारी तीसरी स्टेज दी गई है मूर्त, तीसरी स्टेज है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद की अवस्था है। अभी देखिए इसमें अतार्किक चिंतन था यानी ये तर्क पर आधारित चिंतन नहीं कर पा रहा था, किंतु इस स्टेज में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है, ठीक है, और उसके उसके बाद इसको मूर्त चिंतन करता है, यानी उसके समक्ष जो भी उपस्थित है इसको मूर्त चिंतन कहें या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो इसका नाम ही है। तो मूर्त चिंतन का मतलब ये हो गया, देखिए इसकी जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी दी गई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इसको मूर्त अमूर्त भी कहते हैं। कौन सी? चौथी स्टेज को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो देखिए मूर्त और अमूर्त में अंतर जान लेते हैं। मूर्त का मतलब होता है कि जो आपके समक्ष जो भी उपस्थित हैं केवल उन्हीं विषय में सोचना, केवल उन्हीं विषयों के में जानना, और जो वस्तु नहीं है उसके विषय में चिंतन न कर पाना, ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। और यहाँ इस अवस्था में बालक जो चिंतन होता है वो तार्किक चिंतन हो जाता है, और इसमें देखिए और कौन से गुण उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत ये बालक क्रमबद्धता को जान जाता है, उसके आकार को जान जाता है इस अवस्था में। यानी जैसे कि मान लीजिए एक बालक को कई सारी डब्बे दे दिए हैं जो विभिन्न आकार के हों और बालक से बोला जाए कि एक निश्चित क्रम में निर्धारित करिए, तो बालक छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में आराम से उसको उपस्थित कर देगा या व्यवस्थित कर देगा, ठीक है, तो उस आकार को जाने लगता है क्योंकि वह तार्किक चिंतन करने लगता है, ठीक है ना। और जैसे उससे ये बोल दिया जाए कि इन डब्बों को बड़े से छोटे आकार में व्यवस्थित करिए तो उसके अंदर ये क्रमबद्धता का गुण जानने लगता है, आकार का गुण जानने लगता है, और जो उसका जो चिंतन होता है वो तार्किक हो जाता है, ठीक है ना। ये आपकी 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है, इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं और जिसको हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इन गुणों को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारी पहली स्टेज चौथी स्टेज कौन सी है। चौथी स्टेज दी गई है ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष के बीच की होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें बालक का विकास जो है अपने उच्च स्तर पर होता है। यहाँ पर जो बालक है वो आकार को तो निश्चित रूप से जान लेता है और जो चिंतन मनन होता है वो प्रारंभ कर देता है, और बालक अभी जो तार्किक चिंतन था किंतु वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता था, यानी उसके जो समक्ष जो भी उपस्थित था केवल उसी के विषय में वह जानता था और समझता था, किंतु यहाँ पर वह अमूर्त चिंतन भी कर लेता है, यानी उसके अंदर समस्या समाधान की प्रणाली विकसित हो जाती है, वो कार्य कारण को समझने लगता है। यानी अगर उससे ये कहा जाए कि रुई और लोहे में कौन सा भारी है तो अब इस स्टेज में वो निश्चित रूप से लोहे को भारी बताएगा क्योंकि वह जानता है कि लोहे लौ भारी होता है और रुई हल्की होता है, वह आकार केवल आकार से धोखा नहीं खाएगा क्योंकि उसके अंतर्गत उसके इस समय उसके अंदर
समस्या समाधान की प्रणाली विकसित हो चुकी है और कार्यकारण को समझने लगा है, अमूर्त चिंतन की भी क्षमता विकसित हो चुकी है, तो इसके द्वारा वो आसानी से अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है ना। तो अब हम इस स्टेज को पढ़ने के बाद हमारे पहले के प्रश्न जो दिए गए थे उनको पढ़ेंगे। तो हमारे पहले के प्रश्न जो भी दिए गए थे, अब देखिए हमारा पहला प्रश्न, देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, ये तो दूसरा प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास के प्याजे के सिद्धांत को निम्न में से अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक तर्क, देखिए अमूर्त अमूर्त वर्ड आया और परिपक्व नैतिक तर्क के लिए कौन सी क्षमता पहचानी जाती है, कौन सी क्षमता से पहचाना जाता है। तो आपने पढ़ा ही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, जो औपचारिक अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है, इस अवस्था के अंतर्गत बालक में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी वो समस्या समाधान को समझने लगता है, कार्यकारण को समझ जाता है, ठीक है, चिंतन मनन करने लगता है, अंकों का भी प्रयोग सीख जाता है। तो हमारी जो डी ऑप्शन में दिया गया है औपचारिक परिचालन, ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया अमूर्त तर्क, तो अमूर्त तर्क की जो क्षमता होती है वो बालक में औपचारिक स्टेज में यानी औपचारिक परिचालन में उत्पन्न होती है। अब चलिए अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन सोचना शुरू कर देते हैं या तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो हमारी, देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या दिया गया, इसका पहला ऑप्शन दिया गया संवेदन प्रलोद अवस्था। संवेदन वही सेंसरी मोटर स्टेज जो थी पहली वाली, 0 से 2 वर्ष की, ठीक है। और बी ऑप्शन दिया गया औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक यानी ये 11 से 15 वर्ष वाली है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, सी ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष की है। और डी ऑप्शन दिया गया है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो जो तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ होता है वो आपका किस स्टेज में होता है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। इसको संक्रियात्मक अवस्था कहिए या क्रियात्मक अवस्था कहिए, तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये सही है। देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया गया है इसमें बालक चिंतन तो करता है किंतु वो तार्किक नहीं होता, और जो हमारा डी ऑप्शन है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक तार्किक चिंतन करने लगता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए। देखिए अमूर्त शब्द आ गया, आपको इसी से पहचान लेना चाहिए कि ये औपचारिक स्टेज का अवस्था है, औपचारिक स्टेज में वो ये अमूर्त चिंतन के गुण विकसित होता है। इसमें पूछा गया है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्न अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। तो अमूर्त चिंतन किस स्टेज में आपको उत्पन्न होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले जब आपने इन प्रश्नों को करना स्टार्ट किया था तब आप प्रश्नों को आसानी से नहीं कर पा रहे थे, किंतु एक बार संक्रियात्मक अवस्था और इसकी सारी संज्ञानात्मक विकास को पूरा पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हम आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि चरण, वह चरण जिसमें बच्चे वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक, देखिए तार्किक शब्द आ गया है, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता था, तो इसमें देखिए अब इसमें इंग्लिश वर्ड में दे दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कॉन्क्रीट स्टेज बोलते हैं। इसके जो बी ऑप्शन में दिया गया है कॉन्क्रीट परिचालन चरण या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है कॉन्क्रीट परिचालन चरण, ये बिल्कुल ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था ये हमने कर चुके हैं, और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं इनको देख लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है कि किस अवस्था में बालक वस्तु के स्थायित्व को समझ जाता है, यानी वस्तु के स्थायित्व किस में समझता है, वही गामक क्रियाओं के द्वारा वस्तु के स्थायित्व को समझता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो संवेदी गामक अवस्था ये जो 0 से 2 वर्ष की थी उसी के अंतर्गत बालक जो है वस्तु के स्थायित्व को समझ चुका होता है, ठीक है, इसका डायरेक्ट उत्तर दिया गया है। देखिए दूसरा कथन दिया गया है कि किस अवस्था के दौरान बालक वस्तुओं से संबंधित तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन आपको कई बार बता चुके हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है ये गुण। अपना तीसरा प्रश्न देखिए,
हमारा तीसरे प्रश्न में दिया गया कि किस अवस्था के दौरान बालक बिना किसी तार्किक चिंतन के ही, देखिए मतलब वो कोई तार्किक चिंतन नहीं करेगा और जैसे ही आप उसको कोई बात बता देंगे वो बात को एज इट इज स्वीकार कर लेगा। वो जो आपने अंतः प्रज्ञा काल वाली बात पढ़ी थी वो उसकी स्टेज है, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका उत्तर एज इट इज दिया गया है। अब चलिए देखते हैं, अब मनोविज्ञान, ये जो आपने जीन पियाजे का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके कई नाम हैं क्योंकि इसमें हर एक स्टेज में कौन सी स्टेज में कैसे विकास होता है, इस वजह से इसको विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। दोस्तों आप इसको एक कॉपी किताब लेकर बैठें और जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट अच्छा लगे उसको नोट करते जाएं और कई बार वीडियो को देखें अगर नहीं समझ में आता है तो। देखिए इसी आधार पर संज्ञानात्मक, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर मनोविज्ञान में बाल विकास को प्रमुख 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कितनी अवस्था में विभाजित किया गया? 5 में। तो देखिए हमारी जो पहली स्टेज है, पहली हमारी अवस्था है वो कौन सी है? पहली अवस्था दी गई गर्भावस्था, यानी गर्भाधान से जन्म तक, यानी जब तक वो गर्भ धारण करता है और जब तक जन्म हो जाता है तो उसके जो बीच की अवस्था इसको गर्भावस्था बोलते हैं। दूसरी दी गई शैशवावस्था, 0 से 5 वर्ष की। तीसरी है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। और चौथी है किशोरावस्था, जो 13 से 18 वर्ष के बीच की होती है। और पांचवी अवस्था दी गई है 19 से अधिक, इसको हम प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। लेकिन शैक्षिक दृष्टि से आपको केवल ये 3 स्टेज पढ़नी पड़ेंगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यानी हम बाल विकास के अंतर्गत जो भी पढ़ेंगे, जो भी प्रश्न हमारे आएंगे वो केवल शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के अंतर्गत आएंगे। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो शैशवावस्था पर आधारित होगी। शैशवावस्था में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे, देखिए इससे जुड़ा एक प्रश्न बताते हैं कि किस अवस्था में बालक में कामुक प्रवृत्ति सर्वोत्तम पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने पर ज़्यादातर लोग किशोरावस्था को बताएंगे, किंतु इसका सही उत्तर है शैशवावस्था। शैशवावस्था के अंतर्गत बालक में सबसे ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन होंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, वो हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप हमारे अगले वीडियो चाहते हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे चैनल को। लिए तब तक के लिए नमस्कार।